टुडेज वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर नीट एस्पिरेंट्स जो इस साल नीट में अपीयर करने वाले हैं. सो माई एग्जाम्स गॉट ओवर फ्यू मंथ्स बैक एंड आई वेंट फॉर अ शॉर्ट ट्रिप टू दिल्ली. एंड मुझे याद है कि मैंने बहुत सारे कमेंट्स देखे हैं कि मैम कोई कॉलेजेस बताओ, कुछ बताओ, मतलब कोई अच्छा कॉलेज कौन सा है. तो मैं दिल्ली विजिट कर रही थी और वहाँ एक मेरी फ्रेंड है जो IDST से स्टडी कर रही है, सेम थिंग डेंटिस्ट्री. सो मैंने सोचा मैं उसे विजिट करती हूँ, उसका कॉलेज देखती हूँ कैसा है. एंड आई हैपन टू रियली लाइक दैट कॉलेज, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. मैं वैसे कोई कंपैरिजन नहीं कर रही क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ अपने ही कॉलेज को जानती हूँ अच्छे से. एंड अदर देन दैट, दैट इज़ द फर्स्ट कॉलेज दैट आई विजिटेड, बट आई रियली लव द कॉलेज. और मैं चाहती थी कि मैं अपने सब्सक्राइबर्स के साथ भी शेयर करूँ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स अबाउट द कॉलेज. सो मैंने किसी तरह आई गॉट फ्यू वीडियोज़ टू शेयर विद यू पीपल और मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली उस कॉलेज के बारे में. इज़ द फर्स्ट कॉलेज दैट आई एम रिव्यूइंग फॉर यू पीपल, जस्ट फॉर यू. सो लिसन केयरफुली, ओके. सो दिस इज IDST दैट आई एम टॉकिंग अबाउट एंड द फुल फॉर्म इज इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी. It is located at Delhi NCR. Delhi NCR, if you don't know about what NCR is, there is a metropolitan area that covers the entire Delhi territory, which includes the surrounding districts like from UP, Haryana, Rajasthan and all that. So ye us jagah par located hai college and I really loved the campus. Main kuch videos clips add karungi is video mein, aap dekhna acche se, theek hai. I hope you are going to like it. Aur agar aap Delhi se hain and if you want to get admission in a private dental college, this is a really good option for you people. So there are few advantages that I would like to tell you about the college. So starting with NAAC accreditation. If you don't know what is NAAC, so it is National Assessment and Accreditation system. It is assessment that is done for different recognized institutions and it gives a idea or understanding about the quality status of that particular institution. तो ये accreditation मिलना इतना आसान नहीं होता because there are very few colleges in India जिनको NAAC accreditation मिली हुई है इस time पर. और पंजाब में ऐसा कोई कॉलेज नहीं है and in Rajasthan there are only two colleges and in Himachal there is only one. तो ISDT is one of those colleges जिसको NAAC accreditation मिली हुई है. इसमें मतलब असेसमेंट की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन लेवल, द फाइनेंशियल लेवल एंड अदर स्टेटस, यू नो, फैकल्टी, स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप एंड ऑल दोज थिंग्स, एवरीथिंग इज कंसिडर्ड इन दिस एक्रेडिटेशन. सो दिस इज़ रियली एडवांटेजेस फॉर यू टू यू नो टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज बिकॉज क्वालिटी इज रियली गुड फॉर यू. एंड द सेकेंड थिंग अबाउट दिस कॉलेज इज दे हैव अ टाई अप विद RRTS. So what is RRTS? It is actually Delhi Meerut Regional Rapid Transit System. You all know about Metro Corridor in Delhi, right? और ये लोग free treatment करते हैं of the people from UP. So patient flow काफ़ी high रहता है इस वजह से उस कॉलेज का. So I think their patient flow is around 140 to 150 patients per day, which is really helpful. And the third thing that I would like to talk about is their sports complex. And वो भी एक dental college में. Dental, हम medical students mostly we are into the books, we are into studying part. Physical activity के बारे में कोई लोग इतना सोचते भी नहीं है. Being dental students इतना सारा pressure होता है study का, इतनी stress होती है. तो अगर हम physical activity करें which will help us physically as well as mentally. हमारी mental health के लिए भी अच्छा होता है कि हम physical activity करें and वहाँ पर their sports complex is really great and वहाँ पर gym भी है. You see the videos, you check out the clips and the pictures that I'm attaching to this video. और आप खुद ही देखो कि
दिस इनिशिएटिव इज रियली गुड. आई लव दैट कॉलेज फॉर द सेम रीजन. आई विश मुझे पहले पता चलता इस कॉलेज के बारे में. आई वुड हैव जॉइंड इट. एब्सोल्युटली आई वुड हैव. चलो मैंने तो नहीं किया बट आप कर लो. राइट, पे अ विजिट टू द कॉलेज. आप खुद विजिट करके देखो. अगर आपको अच्छा लग रहा है यू शुड कंसिडर जॉइनिंग दैट कॉलेज. राइट, एंड इफ यू आर लिविंग एनी वेयर नियर बाय दिल्ली सो इट इज़ अ रियली गुड ऑप्शन फॉर यू. सो नाउ द फोर्थ थिंग दैट आई वुड लाइक टू से इज स्टिमुलेशन लैब. Do you know what is a stimulation lab? ये labs होती हैं हमारे dental students की skills को improve करने के लिए without any risk of harming the patient. So ये realistic clinical labs होती हैं. जैसे हमें same ही experience मिलेगा but you know not on the actual patient, on the phantom heads and all. So this is really good and ऐसी stimulation lab पूरे north में कहीं भी नहीं है जैसी उस college में है. तो उनकी स्टिमुलेशन लैब इज एक्चुअली डिजिटली एडवांस्ड. देर इज एवरीथिंग लाइक कैड कैम. इफ यू डोंट नो व्हाट दैट इज, इट इज कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग. सो दिस डिजिटल एडवांसमेंट वुड रियली हेल्प यू पीपल बिकॉज नाउडेज एवरीथिंग इज एडवांसिंग एंड वी शुड नो हाउ टू यू नो डिजिटली ट्रीट अ पेशेंट. एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लास्ट थिंग अबाउट दैट कॉलेज, इट इज द बजट. The fees is I guess 3.7 lakh per year including the hostel and mess. But इसमें एक और चीज़ है. अगर आपका नीट में अच्छा स्कोर होगा ना, लाइक इफ वी कंपेयर द मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव टेकन एडमिशन इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, उस मेरिट के बेसिस पर जो लोगों का स्कोर हाइएस्ट होगा नीट में, उन लोगों को थोड़ा डिस्काउंट भी मिलता है फीस का. कितना, मतलब टोटल फीस कितनी होगी? 12 लाख. सो मतलब काफ़ी बेनिफिट मिल रहा है इसमें. आई थिंक इट इज़ अ ऑफ ऑफ अराउंड 1 to 2 lakh, तो विच इज़ रियली गुड अगेन. सो आई होप यू इन्जॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द अदर वीडियोज एंड क्लिप्स आई एडेड अबाउट द कॉलेज. अगर आपको कोई और डिटेल जाननी होगी एंड इफ यू नीड एनी अदर रिव्यू ऑफ कॉलेज, सम अदर कॉलेज, डू लेट मी नो. आई गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल द एंड. आई सी यू इन द नेक्स्ट वन. बाय.